नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। शेखपुरा जिले के अरियरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मौला नगर गांव में पुलिस द्वारा बिजली चोरी के आरोप में की गई छापेमारी के दौरान भागने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। मौत के बाद उत्तेजित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर आगजनी कर रहे हैं और दोषी पुलिस कर्मी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। घटना की सूचना पाते ही थाना प्रभारी और अरियरी के BDO द्वारा जाम को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। माहौली OP प्रभारी ने कहा कि स्वाभाविक मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कोई कार्रवाई किए जाने की बात कही है। व्हाइट OP प्रभारी साहनी प्रभात शुक्ला, व्हाइट ब्रिज नंदन यादव परिजन। और ये जानकारी मिली कि रोड जाम किए हुए हैं, आने के बाद उनके परिजन बता रहे हैं कैसे पुलिस गई थी वहाँ किसी बिजली विभाग के अरेस्टिंग में या पूछताछ में जो हो, तो उसमें जो कि हम लोग फ़ोन से वार्ता हुई थी, उस पदाधिकारी को बोला कि हमने गया था वहाँ और सिर्फ हमने उससे पूछा, पूछने के बाद उन्होंने बताया कि फलाना घर है, हम वहाँ चले गए। अब इधर गिरा क्या हुआ या हार्ट अटैक हुआ, ये मतलब हमको पूरी तरह जानकारी नहीं है। पुलिस पदाधिकारी का कहना है यहाँ आने पर ये लोग परिजन बोल रहे हैं कि नहीं, पुलिस ने धक्का दे दिया या उसके भय से हार्ट अटैक हुआ, गिर गया और ऐसी घटना हो गई। हम लोग को यही जानकारी है। सही बिंदु तो यही है कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, पुलिस पदाधिकारी हूँ, और कोई ऐसा नहीं करेगा कि कहीं पूछताछ करने जाए या उसको धक्का दे के मार दे। ये जहाँ तक असंभव वाली बात है, हमारे प्रक्रिया हमारे मैनुअल के अनुसार, और जहाँ तक पब्लिक के सवाल हो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जांच की विषय है, पोस्टमार्टम होगी, उसके अनुसार वो जो कार्रवाई होगी होगी।